नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेवर पुलिस और सर्विलांस टीम अपराध लूट के मामले में गिरफ्तार किया है। एक युवक को नशीला पदार्थ मिलाकर ई रिक्शा चालक को पिला दी थी। लुटेरी रिक्शा पर सवारी बनकर नवीगंज ओवरब्रिज के नीचे से बैठे थे, जहां से रिक्शा चालक से एंड्रॉइड मोबाइल ई रिक्शा व नकदी लूट कर लिए भागे थे, जिसका पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। और बेवर पुलिस और सर्विलांस टीम ने लुटेरों से 3 तमंचा व 5 अदद कारतूस व ई रिक्शा अन्य सामान सहित बरामद कर लिया है और अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज सुबह छह बजे के आसपास एक गैंग पकड़ा गया है। यह गैंग एक परिवार के रूप में चलता है और बस स्टैंड के बाहर से किसी भी ई रिक्शा वाले को रोक करके ले जाता है सुनसान इलाके पर। कोल्डिंग में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करके उसका ई रिक्शा, उसके साथ जो भी कीमती सामान, रुपया, पैसा होता है, लूट कर भाग जाते हैं। इस गैंग के 4 सदस्य हैं, गब्बर सिंह, विनोद, प्रवेश, विनीता, साथ में एक महिला भी है, विनीता, जो गब्बर सिंह की पत्नी है। महिला होने के नाते, होने की वजह से जो ई रिक्शा चालक हैं वो जल्दी से झांसे में आ जाते थे और उनके दिए गए खाद्य पदार्थ का सेवन कर लेते थे। ये 4 लोग क्या करते हैं कि एक टिड्डी को उस शंकर नाम का मिस्त्री उसको बेच देते हैं। शंकर मिस्त्री दूसरे सोनू कबाड़ी को दे देता है, जो टिड्डियों को काट कर उसके स्क्रैप को बाहरी जगहों पर बेच देता है। पकड़ा गया है शंकर मिस्त्री के कब्जे से एक ई रिक्शा बरामद हुआ है, जिसके संबंध में थाना भोगांव पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सोनू कबाड़ी के पास 4 बैटरियाँ बरामद हुई हैं और एक स्क्रैप भी बरामद हुआ है। वो स्क्रैप के संबंध में पूछताछ में जानकारी आई है कि इसके संबंध में एक मुकदमा थाना बेवर में पंजीकृत हुआ है। इसके अलावा तीन चोर पकड़े गए, उनके पास से 5 कारतूस सहित 3 तमंचों को बरामद किया गया है। तो इसमें जो अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, इनका कोई पुराना और जी घटना को अंजाम दे चुके हैं? इनके पुराने इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। संभवतः छिबरा में आसपास के इलाकों में भी अन्य घटनाओं के खुलने की संभावना है। इन लोगों को गिरफ्तारी कहाँ से की थी? इन लोगों की गिरफ्तारियाँ बेवर में, थाना बेवर क्षेत्र से की गई है।